इस वीडियो में हम समझेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट चैप्टर इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट एमिट होती है तो वो लाइट स्ट्रेट रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है ये लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते लाइट एब्जॉर्ब होगा या नहीं ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है एग्जाम्पल के लिए मेटल्स लाइट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करते जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं वही दूसरी और वुड लाइट को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते यानी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए मिरर जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऐसे ऑब्जेक्ट के सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं आइए अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल करती है तब लाइट रे बाउंस बैक हो या लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो तो उस फेनोमिन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। अब मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ओ है और सरफेस पे फॉल करने वाली लाइट रे ओ पी है इन दोनों लाइन के बिटवीन जो एंगल है उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे I से डिनोट करते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइन ओ क्यू के अलोंग ट्रेवल करती है लाइन ओ एम और लाइन ओ क्यू के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करने के लिए दो लॉ दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ The incident ray. The normal to the mirror at the point of incidence. And the reflected ray. All must lie in the same plane. Refraction of light. Refraction of light एक ऐसा फेनोमिनन है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो या लाइट रे बेंड हो तो इस फेनोमिन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं आइए इस फेनोमिन को डिटेल में समझते हैं मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इस ग्लास स्लैब से एक लाइट रे पास हो रही है जब ये लाइट रे ग्लास के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तब इस लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है लाइट रे स्ट्रेट न जाकर एक डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करती है अब जैसा कि कि हम देख सकते हैं लाइट एयर मीडियम मीडियम से ग्लास में ट्रेवल कर रही है ग्लास मीडियम की डेंसिटी एयर मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा जिसके कारण लाइट की स्पीड ग्लास मीडियम में चेंज हो जाती है और इसी कारण लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है और इस फेनोमिन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोम ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर एट द इंटरफेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करने के लिए तीन लॉ दिए गए हैं इन तीनों लॉ को समझने के लिए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे तो आइए इन्हें समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट रे वैक्यूम में ट्रेवल करती है तब लाइट की स्पीड थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है लेकिन जब यही लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तब इस लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है अब अगर हम वैक्यूम और मीडियम की स्पीड को डिवाइड करें तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करेंगे एयर मीडियम को हम रेर मीडियम कहते हैं और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू वन से डिनोट करेंगे मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू टू से डिनोट करेंगे एनिमेशन में हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ डिफरेंट एंगल बना रहे हैं जिन्हें हम आई और आर से डिनोट कर सकते हैं आइए अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट लॉ जैसा कि हम जानते हैं लाइट रे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है जब लाइट वेव रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तब लाइट वेव की वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है जबकि लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहती है सेकेंड लॉ इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और सरफेस नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करते हैं थर्ड लॉ इस लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट साइन एंगल और रिफ्रैक्टेड साइन एंगल का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पहले समझे के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमिन है जिसमें लाइट रे हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करते टाइम सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when passing from बैक टू द सेम पासिंग आइए इस फेनोमिन को डिटेल में समझते हैं मान लीजिए कि एक सॉलिड ग्लास स्लैब है इस ग्लास स्लैब के बॉटम सरफेस के नियर एक शार्प लाइट सोर्स प्लेस किया गया है जब इस लाइट सोर्स से लाइट रे एमिट की जाती है तब हम देखते हैं कि लाइट रे स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है और ग्लास मीडियम से पास होती है अब हम इस लाइट सोर्स को स्लाइटली रोटेट करते हैं हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे की डायरेक्शन चेंज होती है अब अगर हम लाइट सोर्स को कंटिन्यूसली रोटेट करते रहें तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां लाइट रे ग्लास मीडियम से बाहर न जाकर सरफेस के पैरल रिफ्लेक्ट हो जाती है इस पॉइंट पे जो लाइट रे का इंसिडेंस एंगल है, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर हम लाइट सोर्स को स्लाइटली और रोटेट करें तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है और लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी फिनमिन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हम डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर में देख सकते हैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है जिसके कारण डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इसी वजह से हमें डायमंड शाइन करते हुए नजर आता है सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें व्हाइट लाइट सेवन डिफरेंट कलर में डिवाइड होती है और कलर स्पेक्ट्रम बनाती है ये फेनोमेन रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के कारण लाइट रे की डायरेक्शन चेंज होती है और इसी कारण डिस्पर्जन होता है आइए इस फेनोमेन को डिटेल में समझते हैं एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक ग्लास प्रिज्म है इस ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास करेंगे जब लाइट रे ग्लास प्रिज्म से पास होती है तब रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे की डायरेक्शन चेंज होती है व्हाइट लाइट में सेवन कलर्स एग्जिस्ट करते हैं और इन सभी सेवन कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती है इसी कारण जब व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट होती है तब ये सेवन कलर्स अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट होते हैं रिफ्रैक्शन के बाद व्हाइट लाइट एक कलर स्पेक्ट्रम बनाती है जिसमें रेड कलर सबसे ऊपर और वॉलेट कलर सबसे नीचे होती है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इसी कारण रेड कलर मिनिमम एंगल पे रिफ्रैक्ट होता है वही दूसरी और वॉलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है इसी कारण वॉलेट कलर मैक्सिमम एंगल पे रिफ्रैक्ट होता है रेड और वॉलेट कलर को हम एक्सट्रीम कलर्स भी कहते हैं और इस फेनोमिन को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते ये केमिस्ट्री मेडिसिन मटेरियल साइंस और कई साइंटिफिक डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रोस्कोप को 1600 में नेदरलैंड और डेनमार्क के आइग्लास बनाने वालों ने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप डिफरेंट टाइप के होते हैं सबके पास अपना डिजाइन कैपेबिलिटीज होती है लेकिन वो सभी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करते हैं माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन और स्टडी के लिए डिजाइन किए गए हैं जैसे कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, माइक्रोर्गेनिज्म सेल्स और स्मॉल स्ट्रक्चर की डिटेल्स के लिए माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जो मैग्निफिकेशन के लिए सिंगल लेंस का यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में एक स्मॉल फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस होता है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल और कॉलेज अपने लैबोरेटरीज में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं डर्माटोलॉजिस्ट डिफरेंट स्किन डिजीज को पहचानने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करने के लिए मल्टीपल लेंजेस का यूज होता है इसमें दो लेंस यूज किए जाते हैं जिसके कारण इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है इसमें एक लेंस को आईपीस और दूसरे को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिटेल में समझने के लिए पहले हमें इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझना होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस ये लेंस नो स्पीस के ऊपर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज को बनाती है ऑक्यूलर ऑक्यूलर लेंस, लेंस को भी कहा जाता है इन लेंसेज के थ्रू छोटी इमेज को देखा जा सकता है बेस, बेस जिसे फुट कहा जाता है, ये यू शेप्ड या होस हो शेप्ड के होते हैं ये मेटालिक फ्रेमवर्क होता है जो माइक्रोस्कोप को साथ में रखता है स्क्रूज फॉर एडजस्टमेंट ये पेय कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज होते हैं फाइन एडजस्टमेंट बॉडी ट्यूब और स्टेज को बहुत ही कम डिस्टेंस तक ले जाते हैं और कोर्स एडजस्टमेंट बॉडी ट्यूब और स्टेज को ऊपर ले जाते हैं रिपोजिशनिंग करके एक क्लियर इमेज को ऑप्टेन कर सकते हैं कंडेंसर ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है लाइट को बदलकर कंडेंसर की मदद से फोकस किया जा सकता है जिससे इसे अप एंड डाउन किया जा सकता है डायफ्राम। डायफ्राम ऑब्जेक्ट पर गिरने वाली लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है यह स्टेज के नीचे होता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर एक मिरर है जो बेस के ऊपर अटैच्ड होता है मिरर के एक साइड में एक प्लेन मिरर होता है जबकि दूसरी साइड में कंकेव होता है जब लाइट स्ट्रॉन्ग होती है तब प्लेन मिरर का यूज किया जाता है और जब लाइट वीक होती है तो कंकेव मिरर का यूज किया जाता है मिरर और डायफ्राम के थ्रू ऑब्जेक्ट पर लाइट डाली जाती है आम कर्व फ्रेमवर्क माइक्रोस्कोप के लिए वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज्वाइंट इंक्लिनेशन अगर ऑब्जर्वेशन को बैठकर कर परफॉर्म किया जाए मैग्नीफाइंग तो ग्लास को ज्वाइंट इंक्लिनेशन के थ्रू टिल्ट किया जा सकता है बॉडी ट्यूब बॉडी ट्यूब ऑब्जेक्टिव और ऑक्युलर लेंस पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स रखता है एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से पॉसिबल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज फोरेंसिक लैबोरेटरीज में होता है इसे मेटलर्जी में भी यूज किया जाता है वर्किंग ऑफ़ कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस को सामने रखा जाता है और आईपीस को पीछे जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऑब्जेक्ट लेंस पे इंसिडेंट होती है तब वो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पे एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है इस इमेज को मैग्निफाई करने के लिए आईपीस का यूज होता है आईपीस को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एडजस्ट किया जाता है ताकि इमेज को मैक्सिमम मैग्निफाई किया जा सके जब ऑब्जर्वर की आई को इमेज पे फोकस किया जाता है तब ऑब्जर्वर को एक वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज दिखाई देती है जो आईपीस के थ्रू बनती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है टेलीस्कोप की मदद से हम प्लैनेट्स, स्टार्स और स्पेस ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं आइए टेलीस्कोप की वर्किंग डिटेल में समझते हैं टेलीस्कोप की वर्किंग डिटेल में समझने के लिए पहले हमें इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में समझना होगा टेलीस्कोप के बेसिक कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और प्राइमरी मिरर लाइट को गैदर और फोकस करने वाला प्राइमरी ऑप्टिकल कंपोनेंट होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कर्व्ड ग्लास का टुकड़ा होता है जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉन्केव मिरर होता है आईपीस आईपीस एक छोटा लेंस और लेंस का ग्रुप होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस और प्राइमरी मिरर द्वारा बनाए गए इमेज को मैग्निफाई करता है ये वो पार्ट होता है जिसके थ्रू मैग्निफाई इमेज को देखते हैं फोकसर फोकसर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो आपके आईपीस की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए अलाउ करता है जिससे आप डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं माउंट माउंट सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है जो टेलीस्कोप को एक जगह होल्ड करता है ट्राईपोड और माउंट बेस ट्राईपोड और माउंट बेस माउंट को स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और टेलीस्कोप की पोजीशन को स्टेबल रखते हैं ऑप्टिकल ट्यूब ऑप्टिकल ट्यूब टेलीस्कोप के मिरर्स और लेंजेस को होल्ड करते हैं इन मिरर और लेंजेस का मेन फंक्शन डे और नाइट टाइम दूर ऑब्जेक्ट से लाइट गैदर करने और देखने वालों के लिए क्लियर इमेज बनाना है फाइंडर स्कोप फाइंडर स्कोप का यूज ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जानने के लिए टेलीस्कोप ट्यूब में किया जाता है फाइंडर स्कोप का यूज डायरेक्शन को एडजस्ट करने के बाद हमें टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है स्टार डायगनल स्टार डायग्नल टेलीस्कोप से आने वाली लाइट को एडजस्ट करके हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिन्हें रिफ्रैक्टर्स भी कहते हैं इस टाइप के टेलीस्कोप में लाइट को बेंड और फोकस करने के लिए लेंसेज का यूज किया जाता है इनमें फ्रंट ऑब्जेक्टिव लेंस और बैक आईपीस लेंस होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लाइट को ज्यादा और फोकस करने के लिए की जगह मिरर्स का यूज करते हैं सबसे कॉमन डिजाइन न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर है जिसमें टेलीस्कोप के नीचे प्राइमरी कंकेव मिरर होता है और रिफ्लेक्टिंग लाइट को देखने के लिए एक सेकेंडरी मिरर होता है वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो लेंसेज से मिलकर बनता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और डायमीटर आईपीज से बड़ा होता है ताकि दूर से आने वाली लाइट रेस को फोकस कर सके इस टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरल रेस को ऑब्जेक्टिव लेंस पे फॉल कराया जाता है जिसके बाद लाइट रे एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज ए डैश बी डैश पे बनाती है इस इमेज को देखने के लिए आईपीस को ए डैश बी डैश पे एडजस्ट किया जाता है ऐसा करने पर एक हाईली मैग्निफाइड इमेज इन्फिनेटी पे बनती है थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल